लॉरेंस क्या सचिन तुमने मरवाया है मुझसे वाला को, क्या तुम कबूल करते हो? कोई इंक्वायरी नहीं है लॉरेंस? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 83/2022 एफ के अंदर में इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। उसके अंदर में आज दिल्ली पुलिस ने 5 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको कोर्ट ने मान लिया और 5 दिन का पीसी रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यह कहा था कि जो 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया उसके अंदर हम इसको अलग अलग स्टेट पर लेके जाना था, लेकिन हम लेके नहीं जा पाए, हमें हमारे पास टाइम शॉर्ट था, तो हम इसको दिल्ली NCR के आसपास ले आ पाए। तो जज साहब ने पूछा कि आप इनको कहाँ कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने फाजिल्का का नाम, अबोर, गंगानगर, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर सबका नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि पंजाब के बारे में क्या कहना है, तो पुलिस ने बोला कि वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हम इसको नहीं लेके जा सकते। तो जज साहब ने भी ऑब्जेक्शन किया कि ठीक है आप इसको पंजाब ना लेके जाएं, तो इसका विकल्प क्या है? तो दिल्ली पुलिस ने बोला कि हमने अपनी टीम रवाना कर दी है, वो टीम वहाँ पर इसके कहने पर जैसे ये बताएगा वहाँ पर इन्वेस्टिगेटेड करेंगे, लेकिन इसको फिजिकल पंजाब नहीं लेके जाएंगे, बाकी सब जगह लेके जाएंगे, पूरी सुरक्षा में लेके जाएंगे, कि पंजाब इसके लिए सेंसिटिव है, इसलिए हम इसको फिजिकली नहीं लेके जा रहे। हमारी टीम वहाँ जा चुकी है, लेकिन हम इसको फिजिकली लेके नहीं जाएंगे, जैसे जैसे बताएगा वो टीम वैसे वहाँ वहाँ काम करेगी इन्वेस्टिगेशन। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब पुलिस ने आनंद फानंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनका नाम लिया, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक पे किसी ने जो एक मैसेज डाल दिया कि वो इस गैंग का वो लेते हैं। लेकिन देखिए, मैसेज हमने नहीं डाला, मेरे क्लाइंट ने नहीं डाला, मेरे क्लाइंट का इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई ने वो पोस्ट नहीं डाली है, मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, तो कैसे डाल सकता है? तो इसलिए इस केस से कोई लेना देना नहीं है मेरे क्लाइंट। ये बात के लिए मीडिया में मैंने भी देखा था, सोशल मीडिया में कल से चल रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कबूलनामा कर लिया है कि उसके गैंग ने ही मरवाया है, लेकिन उसका हाथ नहीं है। ये बात बिल्कुल फेक न्यूज़ है। मेरे पास रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी है, साथ में रिप्लाई की कॉपी है, जिसके अंदर में दिल्ली पुलिस ने आई कोर्ट में दाखिल की है। ये 83/2022 एफ से रिलेटेड है, इसी में पहले 5 दिन का पीसी लिया गया और आज भी 5 दिन का पीसी इसी में एक्सटेंड किया गया। मूसा वाले मर्डर केस के बारे में कोर्ट में कोई बात नहीं हुई है, तो साफ बात है कि इसके बारे में कोई दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो नहीं की। आगे 5 दिन में कोई नया फैक्ट निकल के आएगा, जब 5 दिन में पेशी होगी तो बताएंगे आपको।